वीके न्यूज़ राष्ट्र के नाम। नमस्कार, मैं अमर, आपका स्वागत है वीके न्यूज़ पे। यूपी से लव जिहाद की खबरों में कोई कमी नहीं आ रही है। बहुत सी ऐसी खबरें सामने आती रही हैं जब हिंदू लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया गया हो। मामले में इतनी बढ़ोतरी हुई कि योगी आदित्यनाथ को कड़ा फैसला लेना पड़ा और कथित रूप से लव जिहाद पर अध्यादेश भी लाया गया। इसके बावजूद ऐसे मामलों में कोई भी कमी नहीं आ रही है। अब एक और ऐसा मामला सामने आया जिसने सभी को हैरान कर दिया है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से एक हिंदू लड़की को अगवा कर उसका धर्मांतरण कर और निकाह कर जाने की खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी सबीर मिर्जा लड़की को अगवा कर बांदा की एक मस्जिद में ले गया, वहां धर्म परिवर्तन कराकर उससे निकाह किया। पुलिस ने लड़की को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामले में मौलवी की भूमिका की भी जांच की जा रही है। पीड़िता 31 मार्च 2022 को घर से परीक्षा देने के लिए निकली थी। जब वह वापस घर नहीं लौटी तो उसके माता पिता ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। वहीं इन सब पर पुलिस का क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। सुभाष सिंह सनाप स्वर्गीय गौ सिंह निवासी जीवकरा थाना गाजीपुर, इनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र थाने पे दिया गया कि उनकी लड़की को किसी ने भला फुसला के ले गए हैं। इस संबंध में थाना गाजीपुर में अभियोग पंजीकृत किया गया और पीड़िता को बरामद किया गया। बरामद की उपरांत जानकारी हुई कि उसका धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया जा रहा था और धमकी भी दी जा रही थी। इस संबंध में थाना गाजीपुर में मुकदमा पंजीकृत किया गया जिसमें अभियुक्त मिर्जा साबिर सन ऑफ रशीद उम्र 24 वर्ष को गिरफ्तार किया गया और इसे जेल भेजा जा रहा है और आगे की विचारात्मक कार्रवाई निष्पक्ष रूप से की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी सबीर मिर्जा पीड़िता को पड़ोसी जिले बांदा की किसी मस्जिद में ले गया। इस दौरान एक मौलवी ने पीड़िता का निकाह और धर्मांतरण करवा दिया। आपको बता दें, इस घटना से 3 दिन पहले फतेहपुर जिले में ही लव जिहाद का मामला सामने आया था। तब एक शादीशुदा महिला का बहला फुसला कर और अपना नाम बदल कर हसन मोहम्मद ने गाजियाबाद की एक मस्जिद में धर्मांतरण करवाया था, साथ ही उसे जबरन निकाह भी कर लिया। महिला को नया नाम रुखसाना दिया गया था। इस घटना में पुलिस ने हसन मोहम्मद को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। अभी ये मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि एक और मामला सामने आ गया जिसने सभी को हैरान कर दिया है। एक तरफ यूपी पुलिस योगी आदित्यनाथ एक्शन लेने में लगे हुए, दूसरी तरफ ये जिहादी अपनी हरकतों से जिहाद करने से बाज नहीं आ रहे। अब आपकी क्या राय इस पूरी खबर को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और इसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज राष्ट्र के नाम।